हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता अमित भंडारी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस मेडिटेशन विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ न्यू लाइफ, अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स योर बॉडी, क्लोज योर आईज एंड एन्जॉय दिस मेडिटेशन। विल स्टार्ट विद चैंटिंग 5 times ओमकार। यू कैन चैंट विथ मी। Visualize you and your family, friends, relatives has gone out on a long drive. You can see trees on the sides of the road. You can see beautiful birds. You can see beautiful nature around you. भाव करे आप और आपका परिवार, मित्र सब लंबी यात्रा के लिए निकले हो। आप रास्ते में देख सकते हो सुहाना मौसम, पेड़, पंछी। जस्ट एंजॉय योर राइड। आप अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। At midst of your trip, besides the river, you stop. You enjoy with your family the beautiful atmosphere around. यात्रा के बीच में आप रुक जाते हो। आप ये सुहाने मौसम को अपने परिवार के साथ enjoy करते हो। देखिए आपके आजू बाजू सुंदर पेड़, पंछी, नदी। नदी का पानी बह रहा है। इमेजिन यू आर सराउंडेड विद ब्यूटिफुल नेचर, ट्रीज, बर्ड्स एंड रिवर। एंजॉय द सराउंडिंग। What can happen more amazing? It started raining. The atmosphere is showing its grace to you. भाव करे बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने वातावरण को और सुहाना बना दिया है। आप और आपका परिवार बारिश की वजह से मौसम का और मज़ा ले पा रहे हो। Just enjoy and relax.
It's been half hour that it's raining heavily. आधे घंटे से भारी बारिश हो रही है. बारिश का प्रवाह बढ़ गया है. भाव करें, एकाएकी तूफान आ गया है. बादलों में तेज गड़गड़ाहट हो रही है. भारी बारिश हो रही है. इमेजिन इट इज हेवीली रेनिंग आउट देयर. यू कैन हियर द साउंड्स ऑफ लाइटनिंग. द रेन हैज इंक्रीज्ड. Suddenly, the river water started flooding. Water level has increased. There is water all around you. भाव करें, पानी का बहाव बढ़ गया है. बाढ़ आ गई है. You are also flowing with water. You want to swim, but nothing is in your hands. You want to come out, but you cannot. You are unable to do anything. आप तैर के ऊपर आना चाहते हो. आपका कोई वश नहीं चल रहा है. आप बाहर आना चाहते हो. आपका कोई वश नहीं चल रहा है. आप अपने परिवार को, मित्र को बहते हुए देख पा रहे हो, पर आपका कोई वश नहीं है. यू कैन सी योर फैमिली ड्राउनिंग फ्लोइंग, बट नथिंग इज इन योर हैंड्स. यू आर फ्लोइंग विद द वॉटर. पर फ्लोइंग विद द वॉटर, आप पानी के साथ बहते ही जा रहे हो. You are flowing with heavily flowing water of floods. बाढ़ का प्रभाव आवेग आपको बहा ले जा रहा है. You are dead. Your dead body is flowing with flood water and your soul is watching it all. आपकी मृत्यु हो गई है. आपका निर्जीव शरीर बाहर से सब देख रहा है.
आपका निर्जीव शरीर पानी के साथ बहता जा रहा है, आपकी आत्मा ये सब कुछ देख रही है। बारिश रुक गई है, पानी का वेग कम हो गया है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ रिड्यूस्ड। सिंस अ लॉन्ग व्हाइल योर बॉडी वॉज फ्लोटिंग, बहुत देर से आपका निर्जीव शरीर बह जा रहा है। Few people from the village saw your body floating and with help of their boat they saved you. बहते हुए काफ़ी देर हो गई है, गांव में लोगों आपके शरीर को देखा, वो नाव के मदद से आके आपके शरीर को निकाल के लेके जा रहे हैं। Your body has been recognized. Your family has taken your body home. आपको पहचान लिया गया है, आपका परिवार आपको आपके निर्जीव शरीर को घर ले गया है। Your body is placed outside your house and everyone is taking a last see of you. Some are owing you flowers and all have tears in their eyes. भाव करें, आपके शरीर को घर के आंगन में रखा गया है, सब आपके अंतिम दर्शन ले रहे हैं, कोई फूल लिए है, सबकी आंखों में आंसू है।
from the people present around there. There are many whom you must have hurt with your words, with your action. Recognize them. Ask forgiveness from them. उपस्थित लोगों में आपने बहुतों को दुख पहुंचाया है. एक एक को देखें, पहचाने और माफी मांगे. Those people are also present around whom once might have hurt you. Recognize them, see them, forgive them. वे लोग भी आए हैं जिन्होंने कभी आपको दुखाया है, दुख पहुंचाया है. देखें, पहचानें और क्षमा करें. Your body is now ready to be taken to the coffin. Everyone is praying for your soul, praying for your soul's peace. आपके शरीर को शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है. सब आपकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं. Thank you.
कोई दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में जाती है, प्राणों का संचार होता है, आप जीवित हो गए हो, शरीर से उठ गए हो, आप सांस ले पा रहे हो। Miraculously, a divine energy enters your body. You take a deep breath. You are alive. You can feel the living energy force flowing throughout your body. Enjoy this new birth. आपने नए जन्म का उत्सव मनाए। आत्मस्मरण। बंद आँखों से अपने अंतर आकाश को देखिए। ये निर्मल, निर्विकार, निराकार चैतन्य ही हमारा असली स्वरूप है। With your closed eyes, see inside you, the divine inside you. This bodilessness, this divinity is your real consciousness, is your real existence. Feel it. जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य निराकार चैतन्य स्वरूप को देखते देखते इसमें स्थिर हो जाए। फील द बॉडीलेसनेसनेस विद इन योर बॉडी। फील द इनर डिवाइनिटी। व्हाइल फीलिंग दिस डिवाइनिटी, फील योर एग्जिस्टेंस, योर कॉन्शियसनेस विद इन एट द डीपर लेवल। As you feel it, be with it. Enjoy its presence. Enjoy the divine within. उत्सव ये नए जीवन का
ये नए मिले जीवन का, ये आप किस तरह जीना चाहिए, जैसे पहले जीते थे, पुराने ढंग से, जिसमें दुख था, संताप था, निराशा थी, पीड़ा थी, या नए ढंग से, जिसमें आनंद है, प्रेम है, उत्साह है। अपने नए जीवन का, नए जन्म का उत्सव मनाइए। द न्यू बर्थ विच यू हैव गॉट, हाउ डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ नाउ? सेम एज द ओल्डन वन, विद द पेन, विद द रिमोर्स, विद द एंगर, और इन अ न्यू वे वेयर देयर इज हैप्पीनेस, जॉय एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट योर न्यू लाइफ नाउ, सेलिब्रेट योर रीबर्थ विद दिस म्यूजिक। एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द सॉन्ग। Whenever you feel like, open your eyes. इस जगसराए में मुसाफिर रहना दो दिन का, रहना दो दिन का, रहना दो दिन का। इस जगसराए में मुसाफिर रहना दो दिन का, इस जगसराए में मुसाफिर रहना दो दिन का। क्यों वृथा करे गुमान पुरख इस धन और जोबन का, क्यों वृथा करे गुमान पुरख इस धन और जोबन का। ना ही भरोसा पलका, ना ही भरोसा पलका, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। Flow, enjoy the music, enjoy your new life. संगीत की धुन में एक रूप हो जाइए, आपके नए जन्म का उत्सव मनाइए। आखिरी लाइन है, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दोनों को रिपीट करना है बार बार। हाँ, 1 2 3 गो। क्या लेके, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। साथ में वन मोर टाइम। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला।
Whenever you feel comfortable, just open your eyes with a big smile on your face. जब भी आप comfortable feel करो, अपनी आँखों को खोलिए. एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोलिए. Whenever you feel comfortable, just open your eyes. आपको जब भी comfortable लगे, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोलिए. Thank you so much and happy birthday.